बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब हमारा सेगमेंट डॉग टॉक, जिसमें हम बात करेंगे बच्चों की। खास तौर पे बच्चे जब क्रॉलिंग स्टेज पे होते हैं तो उनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पूरा घर जी आपका बेबी प्रूफ हो जाता है कि कहीं वो किसी इलेक्ट्रिक सॉकेट को ना छेड़ लें, किसी ड्रॉर को ना हाथ लगा लें। बच्चे का यकीनन एक तजस्सुस होता है, क्यूरोसिटी होती है। गए वो दिन जी जब आपके घर में डेकोरेशन आइटम्स होते थे या आपका जो ड्रेसिंग टेबल है उसको आपने बड़ा सजा कर रखा हुआ होता था। अगर आपके घर में कोई क्रॉलिंग बेबी है तो आपको पता होगा कि अब क्रॉलिंग भी नहीं बल्कि जो पकड़ के बेचारा खड़ा हो जाता है, वो जहाँ जहाँ उसका एक्सेस होगा चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही आपकी विजिलेंस भी बढ़ जाती है कि आपको घर को साफ रखना है, कोई ऐसी चीज़ उसके सामने ना हो जो खुदा ना खासा हालत में फंस जाए। और क्रॉलिंग बेबीज़ अक्सर चीज़ों को उठाकर उनकी फौरन पहली इंस्टिंक्ट ही होती है कि वो मुँह में डालते हैं। What can be done about that? Is that something to be scared of? कुछ बच्चों की आदत होती है, कुछ की नहीं होती। ये आदत किस तरह डेवलप होती है और किस तरह बच्चे के लिए हम बाखबर रह सकते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं पीट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ। उनसे जानते हैं कि what are some of the tips regarding it. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने के लिए। मुझे बताएं, जहाँ क्रॉलिंग बेबी है वहाँ बेचारी माँ की तो शामत आई हुई होती है कि हर वक्त उस पर नज़र रखनी है, बल्कि उससे बड़े अगर बहन भाई हैं उनको भी ये बार बार कहा जाता है कि बेबी का ख्याल रखो। क्या चीज़ें हैं जो हमें जहन में रखनी चाहिए? दो तीन चीज़ें हैं। एक तो क्रॉलिंग बेबीज चीज़ें उठा उठा के नॉन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट मुंह में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने के शिकार होते हैं और हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जिसमें स्पेशली जो है आपके जीआई सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें डायरिया, वामिटिंग्स, सबसे ज़्यादा निमोनियाज या कोई ऐसी चीज़ खा ले जिससे मेंटल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए। एग्जाम्पल जो है, कुछ बच्चे आपने सुना होगा कि लेट खाना शुरू कर देते, कलर उखाड़ के खा रहे, कुछ बच्चे मिट्टी उठा के खा रहे होते हैं, कुछ बच्चे फर्नीचर खाना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ आफ्टर द एज के जब टीथिंग आ रही होती है या बच्चा ग्रो कर रहा होता है, उसमें ये चीज़ें नॉन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट खाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा जब बच्चा बड़ा होता है तो क्ले खाना शुरू कर देता है। क्या ये इंडिकेटिव है कि बच्चे में किसी न्यूट्रिशन की कमी है, यानी एक ख़ास किस्म की उसको इंस्टिंक्ट हो रही है? मैं कल एक ब्लॉग पढ़ रही थी एक विमेंस फोरम ऑनलाइन, और उसमें ख़वातीन अपनी प्रेगनेंसी क्रेविंग्स की बात कर रही थी। तो किसी ने कहा जी अगर आपका कच्चे चावल खाने को दिल चाह रहा है दैट मीन्स कि आप एनीमिक हैं, आयरन की कमी है। तो बच्चे की भी ऐसी जो चॉइसेस होती हैं, इज़ इट इंडिकेटिव कि कोई न्यूट्रिशनल कमी है? आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम दोनों को रिलेट करते हैं, प्रेगनेंसी टिल चाइल्डहुड। प्रेगनेंसी में भी ये पाइका का, इट्स कॉल्ड नॉन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट खाने को कहते हैं पाइका, जिसमें जो फ्रेगिया, फैगोफाइगा, एमालेगो फाइगिया, ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे आइस खाना जी, क्ले खा लेना, किसी को कपड़ा खाने की आदत होती है, किसी को फर्नीचर खाने की आदत होती है। प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा जो है वो आपके नॉन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट खाने की बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसमें आइस खाने की ज़्यादा तलब होती है, किसी को खट्टा खाने की ज़्यादा तलब होती है। उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट जो है वो आयरन, जिंक या मैग्नीशियम या कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए। और आपको पता है आयरन और जिंक हमारे मुल्क में जो है सबसे ज़्यादा जो है डेफिशिएंसीज हैं, चाहे चाइल्डहुड हो या अडल्ट हो या प्रेगनेंसी में हो, तक टिल देन वहाँ तक ये होती है। उसी तरह अगर प्रेगनेंसी में ये माँ जिस तरह अगर इस डेफिशिएंसीज पे है या कोई ऐसी प्रोडक्ट खा रही है, उससे मिस कैरेजेस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ होने के चांसेस हैं, प्लस साथ में आगे जाके बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस क्रेविंग्स। इसी तरह बच्चे के अंदर जब बच्चा खाना ही शुरू करता है ये नॉन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, एग्जाम्पल क्ले, लेड, सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है लेड, दूसरी खतरनाक चीज़ होती है लकड़ी। जब खाता है तो इंसान के पेट में बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अच्छा, यहाँ पे हम पेरेंट्स की तवज्जो खुसूसी तौर पे, अगर आप नहीं देखते अपने बच्चों के पेंसिल केसेस तो देखिए, ये सिर्फ क्रॉलिंग बेबीज ही नहीं, अक्सर बच्चों की जो लिखने की पेंसिल्स होती हैं वो पीछे से चबाई हुई होती हैं, तो उसका वुड, उसका लेड खाने की आदत पड़ जाती है, एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, टीचर्स नोटिस इट। मुझे याद है बैक इन द स्कूल डेज हमारी टीचर इस पर डांट रही होती थी, और अक्सर आपको नज़र आ रहा होता था कि उसके ऊपर जो लाइनिंग भी है, जो कलर भी है, बच्चे उसको खुरच खुरच के खा रहे होते थे, एक साथ होता है, और इससे मेंटल लेवल जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज सबसे ज़्यादा होती हैं। कुछ बच्चे जो माइल्ड ऑटिज्म वाले होते हैं उनका भी ये बहुत बड़ा होता है कि ये इस तरह खा रहे होते हैं, जो ओसीडी वाले बच्चे होते हैं उनको भी होता है। स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ भी इंडिकेटिव होता है। कई दफ़ा आप देखें कि इस तरह की आदतें उन बच्चों में होती हैं जिनका घर का माहौल बहुत केओटिक है, माँ बाप के अगर बहुत झगड़े हो रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े का एक माहौल है, वहाँ पर भी देखा गया है कि बच्चा या तो इग्नोर होने की वजह से ही अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए करता है। उसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर नाखून खा रहे होते हैं,
वो एक अलग एक सिनेरियो है कि स्ट्रेस और एंगजाइटी जो है वो बच्चा बहुत खामोश होता है, कोने में बैठा होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार होता है और नाखून खा रहा होता है सबसे ज़्यादा। ये जो सिचुएशंस हैं जिसमें पेंसिल और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये स्पेसिफिक जो है वो आयरन, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी की वजह से सबसे ज़्यादा ये बच्चा उस तरफ आता है। सेकेंडली, जब आयरन कम होता है तो आपकी वैसे ही बहुत सारी इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंगजाइटी बढ़ जाता है, भूख लगना कम हो जाता है। और इसके साथ जैसे ही अगर आप ये देखें कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो वॉर्म्स का है, वॉर्म्स हमारे ब्लड को खा जाते हैं जिसमें B12, B6 और आयरन कम हो जाता है। जैसे वो कम होना शुरू होता है आपके बच्चे की इरिटेबिलिटी शुरू हो जाती है, फिर भूख लगना कम हो जाता है। बट वॉट इज़ दिस एनिमल इंस्टिंक्ट? अगर डॉक्टर साहब इसको आप ब्रेकअप करें कि बच्चे में अगर जिंक की, आयरन की, मैग्नीशियम की कमी है तो वाई इज़ इट दैट दे विल फील इंक्लाइन कि वो लकड़ी या जिंक या पेंट खाएं, ये क्या कनेक्शन है आपस? दिस इज़ देखें, कोई भी चीज़ हमारे एंजाइम्स, कभी भी ये हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं या हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये जितने भी आयरन विटामिन डेफिशेंसीज होती हैं, तो आपके मेंटल जो साइकोलॉजिकल सेंटर्स जो हैं, डोपामिन सेरोटोनिन आपका एक्टिवेट हो जाता है। सही। उसकी वजह से आपकी क्रेविंग, कुछ ना कुछ क्रेविंग बढ़ जाती है। okay. अगर फर्ज करें कि आपके मेंटल डिसऑर्डर है कोई भी किस्म का, जैसे जिसमें विटामिन सी डेफिशिएंट हो गया, डोपामिन सेरोटोनिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो आप बहुत सारी चीज़ों पर दूसरी चीज़ें सोचना शुरू कर देंगे। जैसे आप कोई चीज़, कोई एपिलेप्सी हो जाती है या कोई फंक्शनल डिसऑर्डर शुरू हो जाता है, या आप ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीना शुरू कर देता है, पानी ज़्यादा पीना शुरू कर देता है, आइस को लेना शुरू कर देता है, उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है, हाथ धोना ज़्यादा शुरू कर देता है, उसको सफाई का ज़्यादा ध्यान होना शुरू हो जाता है। दिस इज़ ऑल बिहाइंड के आपके हॉर्मोन्स जो हैं कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक इसी से रिलेटेड सवाल है कि अगर खुदा ना खासा एक क्रॉलिंग बेबी है, उसने कोई ऐसी चीज़ खा ली है जो या तो हलक में या सांस की नाली में अटक जाए, तो फौरी तौर पर घर वालों को क्या करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉइंस, बादाम, ब्लॉक्स, खजूर ब्लॉक्स और कैंडीज। सबसे खतरनाक चीज़ जो होती है बीटल्स होते हैं, जो तस्बी के दाने होते हैं या जो आप लोग मार्बल्स पहनते हैं, मार्बल्स होते हैं जो गोल होते हैं, वो चले जाते हैं कभी कान में, कभी नाक में, कभी मुंह में ले लेते हैं। और दूसरा जो सबसे खतरनाक चीज़ होती है कॉइंस। कॉइंस सबसे ज़्यादा जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा सकता है या फिर पेट में चला जाता है। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है तो आपको ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू ही निकालना पड़ता है। अगर फर्ज करें कभी ऐसा कोई बच्चा घर में ऐसा हो, आपको लगे चोक कर गया कोई चीज़, तो आपको उसको पकड़ना है, उसको लेट डाउन बैंड करना है और ज़ोर से दबा के आपको पीछे से हाथ मारना है कि वो चीज़ अगर निकल सकती है, झटके से अगर निकल सकेगी तो निकल जाएगी, अदरवाइज़ यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। नाक में अगर कोई चीज़ फंस जाती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा ट्वीज़र्स लेने हैं, उसको प्रॉपर तरीके से जो है डॉक्टर के पास जाना है और वही वो निकाल सकता है और कोई निकाल सकता है। कान में भी अगर कोई चीज़ चली जाती है तो ENT सर्जन ही निकाल और सकता है। कोशिश ना करें अंदरवाइज आप या तो उसको और अंदर धकेल देंगे या फिर उसकी रस्से डैमेज कर देंगे। एग्जैक्टली, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें अगेन उस वक्त लोग पैनिक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, दे मे लूज टाइम एज वेल, आपका क्या मशवरा होगा कि जैसे ही ये बात आपको पता चले कि बच्चे ने कोई चीज़ खा ली है, निगल ली है या कहीं फंसा ली है कोई चीज़, तो आप उसको फौरन रश करें डॉक्टर के पास? ऑफकोर्स, उसको रश करना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो इनहेल करके अंदर कहीं गया, देखिए इनहेल करके अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में गया तो प्रॉब्लम है, पेट में चला गया कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन तो कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो ग्लास मटेरियल है या लोहे की चीज़ है, तो वो अगर चली गई तो प्रॉब्लम करेगी, अदरवाइज कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं करती। कॉइंस भी अगर पेट में चले जाते हैं तो हम कहते हैं इसको कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद ही वो निकल जाएगा इंसानी फजला में। लेकिन अगर फर्ज के नाक में कोई चीज़ चली गई और आपने प्रेस किया और ऊपर चली गई और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया, तो ब्रीदिंग होल्ड कर सकता है। अगर वही चीज़ अगर कान में चली गई तो आपकी टैम्पेनिक मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकता है, अगर किसी अलर्ट आदमी या कोई भी घर में किसी ने ट्राई किया उसको निकालने के लिए, तो सिर्फ वो ENT सर्जन ही निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता, किसी और के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप किसी जनरल फिजिशियन या किसी के पास ना जाए, रश टू ENT सर्जन या फिर कोई अच्छे इमरजेंसी डिपार्टमेंट जहाँ पर ENT की फैसिलिटी मौजूद हो, उस उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो एक मिनट में निकाल देते हैं। अच्छा, वाइल वी आर एट द सब्जेक्ट, अक्सर आपने इसके ऊपर बड़ी डिबेट सुनी होगी, इसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन की जाती है कि क्या छोटे बच्चों के कान साफ करने के लिए कॉटन बट का इस्तेमाल किया जाए या नहीं। सो आई थॉट कि वाइल वी आर एट द सब्जेक्ट, प्लीज़ इस पर भी गाइड करें। बहुत अच्छी बात है। कॉटन बट्स छोटे बच्चों में 2 साल से पहले यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी वो जो कॉटन बट की जो स्टिक होती है और जो कॉटन होता है, या तो वो अंदर चला जाए तो निकालना बहुत मुश्किल होता है, दूसरा अगर कॉटन बट की जो स्टिक है अगर वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पर टच कर गई, क्योंकि अगर आप भी कभी कॉटन बट यूज़ करते हैं और
बेध्यानी से जोर से अंदर तक टच करते हैं तो आपको एकदम झटका लगता है और काफ़ी देर तक भी आती है, आंखों से पानी बहना शुरू, काफ़ी देर तक यू फील आप डिसबैलेंस हो जाते हैं कुछ देर के लिए। इसी तरह छोटे बच्चों का टेम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत नाजुक होता है तो वहाँ आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सफाई की ज़रूरत नहीं है, छोटे बच्चों में कोई वैक्स नहीं होता। अगर वैक्स आपको नज़र आ भी रहा है तो उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बाहर से हल्का हल्का साफ़ कर लें इससे ना। अच्छा, एक आखिरी सवाल इसी से रिलेटेड, व्हाट अबाउट बेली बटन, क्या बच्चे के बेली बटन को क्लीन करना रेगुलरली ज़रूरी होता है? हाँ ऑफकोर्स, जब आपके बच्चे का, जब छोटा बच्चा होता है, जब नाफ बंद नहीं होती उससे पहले पहले आप उसको क्लीन ज़रूर करें अल्कोहलिक स्वैप से। उसमें भी दो तीन चीज़ें होती हैं, अगर वो पसी हो रही है तो आपको अल्कोहलिक स्वैप के साथ कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं वो लगाने होते हैं। उसी का एक ऑल्टरनेटिव एक और चीज़ होती है एम्लाइकल ग्रैनुलोमा, अगर एम्लाइकल ग्रैनुलोमा कहीं डेवलप हुआ हुआ है तो फिर वो आपको स्टिक से, डॉक्टर से मशवरा करके स्टिक से जलाना पड़ता है, वो भी सिर्फ स्पेशलिस्ट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो इन चीज़ों पे नज़र रखें, कई चीज़ें होम रेमेडीज़ के चक्कर में हम और ख़राब कर देते हैं, प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल विद दैट। और ख़ास तौर पे इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी कि बच्चे ने कुछ ऐसा खा लिया, बच्चे में आप तब्दीली देख रहे हैं, या तो वो बात नहीं कर पा रहा, सांस नहीं ले पा रहा, मुँह से झाग निकल रही है, मस्ट बी रश टू द डॉक्टर, टू द इमरजेंसी इमीडिएटली। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम हमारे साथ मौजूद होने के लिए, बड़ी मुफीद बातें जी आज हमने डिस्कस की हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।